अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सैफ एंड आई एम फ्रॉम आवाज़ मार्केटिंग। व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम न्यू मेट्रो सिटी के अंदर एक इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे और हमने सोचा कि क्योंकि हम इवेंट अटेंड कर ही रहे हैं तो उसके साथ साथ हम लोग कुछ और फर्दर जो चीज़ें उनको भी डिस्कस कर लें। पर्सनली मैं खुद पैराडाइज ब्लॉक को देख रहा होता हूँ और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पैराडाइज ब्लॉक की कॉम्पोजिशन को डिस्कस कर चुके हैं कि उसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेड लोकेशंस कौन सी होंगी। फिर हमने पैराडाइज ब्लॉक को इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा था कि शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर पैराडाइज ब्लॉक के पास क्या ऑप्शंस हैं मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो व्यूअर्स, हमने जब विज़िट किया तो उसके बाद मैंने सोचा कि ऑब्वियसली हम ऑलरेडी इसको डिस्कस तो कर ही रहे हैं तो हम क्यों ना ऑन ग्राउंड आपको एक हल्का सा आइडिया दें कि पैराडाइज ब्लॉक वन लोकेटेड कहाँ पर होगा। व्यूअर्स, अगर आप थोड़ा सा मुझे फॉलो करें तो इस वक्त हम लोग मेट्रो कनाल के साथ, ये मेट्रो कनाल गुजर रही है और हम मेट्रो कनाल के साथ बुलेवार्ड पे खड़े हुए हैं। अगर आप वो दूर देख सकें जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, तो वो जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है वो है 3 मरले का एरिया। जब आप मैप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो 3 मरले के प्लॉट्स का वो एरिया है। 3 मरले के प्लॉट्स के साथ राइट साइड पर मैप के अंदर जो जगह खाली है, ये जो पूरा एरिया है इंक्लूडिंग पीछे जो दरख्त हैं और वो जो आगे जितना भी ब्लैंक एरिया है 3 मरले से आगे और ये सारा एरिया, ये मोस्ट प्रोबेबली पैराडाइज ब्लॉक वन का एरिया है। जब कंस्ट्रक्शन होगी पैराडाइज ब्लॉक के आगे अंदर फर्दर बैलेटिंग और ये सारी चीज़ें, बैलेटिंग से याद आया 10 अगस्त को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, 10 अगस्त को पैराडाइज ब्लॉक वन की बैलेटिंग भी है। जिस लिहाज से न्यू मेट्रो सिटी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है और ये सारा कुछ, सो होपफुली वेरी सून हमें इस पूरे एरिया के अंदर, अभी हल्की फुल्की सफाई यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है बट मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में यहाँ पर हमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। व्यूअर्स, होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। पैराडाइज ब्लॉक वन जो है सिर्फ हमने उसको हल्का सा टच किया है कि हमें थोड़ा सा आइडिया आपको दे दें कि कहाँ पर लोकेटेड है। होपफुली आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और कुछ फ़ायदा होगा आपको। व्यूअर्स, अगर हम इसके अंदर फर्दर ब्लॉक वन के जो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है उसको डिस्कस करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बस आपको वो पता चल जाएँ तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो फर्स्ट इसके पैराडाइज ब्लॉक वन में कमर्शियल की अवेलेबिलिटी होगी और उसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट की ऑफ़र यहाँ पर इस वक्त चल रही है 8 मरले रेजिडेंशियल और 14 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने आपको पैराडाइज ब्लॉक वन की जो एक्सपेक्टेड लोकेशन है वो आपके सामने हमने डिस्कस की, वो रखी। फर्दर जो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी थी हमने उसको भी डिस्कस किया। आई होप सो बहुत ही प्रोडक्टिव आपके लिए वीडियो रही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं और फर्दर अगर आपको इस ब्लॉग से रिलेटेड बुकिंग, कंफर्मेशन या कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि प्लीज़ हमारे ऑफिसेज को ज़रूर विजिट करें। जब आप हमारे ऑफिसेज को विजिट करेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे बीच में। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।